तब क्रेने कहाँ होती थी, आदमी चढ़ाते थे। सो मच पावर ह्यूमन बीइंग हैज। जैसे जैसे हम शरीर को आराम देते हैं, शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए खूब काम दो अपने शरीर को, जितना इससे काम करवाओगे उतना हर रोज शक्तिशाली होता जाएगा। बूढ़ा होने का आसान उपाय बताऊं, बूढ़ा कैसे हुआ जाता है? कम से कम काम करना शुरू कर दो। बोलो भाई मैं बूढ़ा हूं, बेटा मेरे को ये पकड़ा दो, बेटा मैं बूढ़ा हूं, मुझे यहां कर दो, वहां कर दो। शरीर को काम लेना बंद कर दो, और मैं बूढ़ा हो रहा हूं ये सोचना शुरू कर दो। बहुत जल्दी बूढ़े हो गए। और अगर नहीं होना तो इसका रिवर्स करो, ये सोचना ही नहीं कि तुम बूढ़े हो रहे हो, ये सोचना कि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, मैं ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हो रहा हूं, जितने बरस अधिक हो गए उतना मेरा अनुभव, उतना मेरी परफेक्शन। क्या समझ आए? और जैसे बच्चे काम करते हैं वैसे दौड़ दौड़ के काम करो, एटीट्यूड बदलो, आप बूढ़े हो ही नहीं सकते, जवान रहोगे, हमेशा जवान रहोगे। एक्ट लाइक ए यंग, हंसो। अभी क्या हो गया, जैसे बूढ़े होते हैं हम कहते हैं अब हमें बूढ़े हो गए, सीरियस होना होगा, कोई जोक भी कहे तो ऐसे के पापा जी मैंने जोक सुनाया है बेटा, की सी जोक, तो अच्छा ऐसी, चलो कोई नहीं, शाबाश सुनाओ सुनाओ, रियली करना है, दे एक्सपेक्ट यू टू लाफ। जैसे छोटा बच्चा होता है, किलकारी भरना सीखो, खुश होना सीखो, लर्न टू एक्सप्रेस, पॉजिटिविटी एक्सप्रेस करो। हम नेगेटिविटी एक्सप्रेस करते हैं, सड़ते हैं, कुड़ते हैं और अपने आप को शरीर को रोक दे देते हैं, उधर ध्यान ही नहीं देना। लर्न टू लाफ, लर्न टू एक्सप्रेस। कोई हल्का फुल्का भी जोक सुनाए तो भी जोर से हंसो, कोई बेकार रद्दी जोक भी सुनाए तो उसकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाओ, उसने तो इसलिए सुनाया था कि आपको हंसाएगा, तो हंस लो, ठीक है कि नहीं? खुशी बांटो, वो खुशी आपको दे रहा है जोक सुना के, चाहे बेकार ही जोक हो, आप खुश हो जाओ। लर्न टू लाफ, लर्न टू स्माइल, लर्न टू एक्सप्रेस। और सबसे ज्यादा एक्सरसाइज ये फेशियल मसल्स को दो, समझ आई कि नहीं? ये सबसे ज्यादा मैंने देखा, अब लोगों के चेहरे पैरालाइज हो रहे हैं, तो बाबा जी मेरा चेहरा पैरालाइज हो गया, अरे तुम इसको काम ही नहीं करोगे, लटक ही जाएगा ये। सो गिव एक्सरसाइज, समझ आए कि नहीं आए? और खुशी, जैसे आप हंसते हो एक रोशनी फैलती है, जैसे आप ऐसे रहते हो तो एक ग्रे एनर्जी हो जाती है, समझ आई? ये जोक सुनाया था मैंने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हंसना सीखो। देखा, बगैर जोक के हंसी आई कि नहीं आई? वो जोक नहीं था। वो जोक था ही नहीं और आप हंस पड़े। फाइंड ए वे टू लाफ, कारण ढूंढो खुश होने का। अगर स्वस्थ रहना है तो, अगर स्वस्थ रहना है तो कारण ढूंढो खुश होने का, जबकि अस्वस्थ रहना है तो कारण ढूंढो दुखी होने का। और हम बड़े चैंपियन हैं दुखी होने का कारण ढूंढने में। किसको क्या नुकसान पहुंचाओगे, अपने को पहुंचाओगे? इसलिए खुशी हर हाल में। शिव योग।